क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है रिजवान भाई? ठीक है। अच्छा यार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कंसिडर किया उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, और मतलब 40 मिनट्स का जॉब सेशन कह रहे हो। लेकिन देर इज़ अ रीज़न वाई आई एम रिलक्टेंट ओवर दिस। उसकी रीज़न ये है कि देखें, मैंने आपको जो सेंड किया लिंक, उसके अंदर देखें, आज से जब मैंने ज्वाइन किया था ना हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के अंदर, जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त वहाँ मैच होना रिलेटिवली ईजी था। ठीक है, रिलेटिवली ईजी क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो दो मेडिकल कॉलेज हैं कतर में, एक है व्हील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज, जो कि अमेरिका का जो व्हील कॉर्नेल है उसके साथ एफिलिएटेड है। जो अमेरिका का व्हील कॉर्नेल है वो भी यहाँ पर भी है, तो उसके स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती थी पहले, ठीक है, जो कि सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, व्हील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज। जैसे पाकिस्तान में अगर KE में किसी ने अगर हाउस जॉब की है तो उसको ऑटोमेटिकली आराम से वहाँ पे मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब मिल जाती है। सर्विसेज से किसी ने की है, सिम्स से किसी ने किया है, तो उसको सर्विसेज में हाउस जॉब मिल जाती है। किसी ने वहाँ से की है, अलामा इकबाल से मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, तो उसको जिना हॉस्पिटल में मिल जाती है हाउस जॉब फ्री। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे पहले था कि व्हील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज से जो ग्रेजुएट होता था वो उसको आराम से यहाँ रेजिडेंसी मिल जाती थी, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता था, ठीक है। और फिर इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा बहुत मतलब रूम था, थोड़ा बहुत स्पेस थी यहाँ पे, ठीक है, उस ज़माने की बात है, आज से 2-3 साल पहले की बात है। 2 साल पहले ये हुआ कि यहाँ पे अब कतर यूनिवर्सिटी, एक और यूनिवर्सिटी है, उसके ग्रेजुएट्स भी आना शुरू हो गए, ठीक है। कतर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे उन्होंने वो भी ग्रेजुएट होना शुरू हो गए, और फिर उनको भी यहाँ पर मतलब बिल्कुल वैसे ही व्हील कॉर्नेल की तरह यहाँ पर भी उनको रेजिडेंसी बड़े आराम से मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब ये है कि मतलब उनके उनके हर साल के ग्रेजुएट्स होते हैं 60 कतर यूनिवर्सिटी के, और व्हील कॉर्नेल के होते हैं 40, ठीक है। तो टोटल 100 ग्रेजुएट्स रोज़ाना के हैं, ठीक है, हर साल के हैं। अब यह है कि यहाँ पे जो टोटल टोटल सारी स्पेशलिटीज़ की जो रेजिडेंसी की स्लॉट्स हैं ना, वो हैं 150, ठीक है, जिसमें 50 मेडिसिन की हैं, 12 इमरजेंसी मेडिसिन की हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी मैं मैच हुआ हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में, 20 जनरल सर्जरी की हैं, और सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। टोटल 150 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें से मतलब 80 सीट्स तो यही ले जाते हैं ये लोग जो हैं कतर यूनिवर्सिटी के और ये व्हील कॉर्नेल के, ठीक है। बाकी बचती हैं 70, ठीक है, 70 स्लॉट्स बचती हैं। अब 70 स्लॉट्स उन लोगों को प्रेफर करते हैं, आप ये वेबसाइट जो मैंने आपको लिंक सेंड किया ना, वो खोल के देखिएगा, जो 70 जो स्लॉट्स हैं वो फिल करते हैं, जो कि जिनके पास कतर की नेशनैलिटी है, जिन जो कतरी नेशनल हैं, ठीक है, उनको प्रेफर होती है, ठीक है। तो 20-30 वो ले जाते हैं, बाकी बचती हैं 40 सीटें, ठीक है। अब 40 सीटें रह गई हैं जनाब, अब उसके ऊपर कंपटीशन है, और कंपटीशन पूरी दुनिया में है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैच करते हैं लोग, वो अब यहाँ पे जिनके पास रेजिडेंसी परमिट है, अकामा है जिनके पास, जिन जिनके वालदेन काफ़ी 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उनके पास अकामा होता है, रेजिडेंसी परमिट होता है, ठीक है, तो वो उनको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो चाइना से ग्रेजुएट आए हैं, जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट होके यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी रेजिडेंसी परमिट है, वो उनको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑल दो पाकिस्तान से इंडिया से लोग आते हैं, अरब जितने भी अरबिक कंट्रीज़ हैं, ये इजिप्ट हो गया, सारे USMLEs करके, स्टेप 1 स्टेप 2 करके, ठीक है, यहाँ पर मैच होते हैं, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते थे, लेकिन अब ये हो गया है, अब ये डिफरेंस आ गया है, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, ये लोग अपने ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब आप समझ लो कि बाकी 30 स्लॉट्स रहती हैं, 30 स्लॉट्स के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30,000 बंदा अप्लाई कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको अपनी बेगम की बता देता हूँ, बाकी सारे छोड़ें, मैं आपको अपनी बेगम के क्रेडेंशियल्स बताता हूँ। मेरी अपनी बेगम का स्कोर है USMLE स्टेप 2 में, जो कि ये मांगते हैं, 251 स्कोर है USMLE स्टेप 2 में, 240 है USMLE स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 3 में उसका 231 स्कोर है, ठीक है, मेरी मेरी अपनी बेगम का, ठीक है। अब मैं अपनी बेगम का तो ऑब्वियसली ट्राई कराऊंगा यहाँ पे मैच कराने के लिए, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि इंटरनल मेडिसिन में, क्योंकि उसकी उसकी उसको अरबी बोलनी नहीं आती थी, अरबी उसकी वीक है, ठीक है, इसलिए उसको वहाँ पे नहीं रखा। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं कि मतलब जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब पिछले 2 सालों से बहुत 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 मुश्किल हुआ है यहाँ पर मैच होना। तो मैं जो भी होते हैं, जो भी ग्रेजुएट्स मुझे मुझे मैसेज करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनको मतलब टाइम नहीं देना चाहता, मैं उनको बता देता हूँ, रियलिटी बताता हूँ मैं कि हमद में मैच होना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट,
उसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका में यूएस एमिलीज करके आप अमेरिका के लिए ट्राई करो, क्योंकि अमेरिका अमेरिका में आपके पास 170 प्रोग्राम्स होते हैं अप्लाई करने के लिए, टोटल 4000 स्पॉट्स होती हैं प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, तो वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे मैच होना यूएस एमिलीज करने के बाद ज़्यादा रिलेटिवली आसान है, ठीक है, बजाय से कि आप यहाँ पर मतलब मैच हो, ठीक है। तो ये कुछ रियलिटीज़ मैं बताना चाहता था मैं इसलिए कि ना देखो मैं वीडियो इसलिए नहीं सेशन करना चाहता था आपके साथ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता मतलब इसका फ़ायदा कोई नहीं है बताने का, क्योंकि देखो 30 स्लॉट्स हैं सारी, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और अगर मैं बता भी दूँ उसके ऊपर तो मतलब इतना इतना वो आप कह रहे ना जिससे वो फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से, ठीक है, उतना किसी भी किसी को मतलब इतनी एफर्ट करने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 30 किसी ने करना है अप्लाई मतलब करना है यू एस एम एल सर के, वेल एंड गुड, लाजमी अप्लाई करें, ठीक है, टेक योर चांसेस, बट द रियलिटी इज़ कि यहाँ पे मैच होना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा आसान था, ठीक है, मेरा भी जब मैच हुआ था यहाँ पे तो मैं पहले साल मुझे रिजेक्ट हो गया था, मैंने दूसरे साल जब मैंने यू एस एम एल स्टेप वन दिया उसके बाद में मैच हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया था, मैंने काफ़ी यहाँ पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया था, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड का मुझे पता था, मैंने काफ़ी रिसर्च थी मेरी, ठीक है, तो मेहनत करने के बाद लेकिन उन्होंने रख लिया था मुझे फिर, ठीक है, लेकिन नाउ इट इज़ गेटिंग रियली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कतर यूनिवर्सिटी एंड विल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट्स, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको, दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज अ बिट रिलक्टेंट कि वीडियो सेशन करने का मेरे साथ इतना फ़ायदा नहीं होगा कतर के हवाले से बात करने का, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, हाँ।